नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर बात की जाए तो कश्मीर में भी जो है वो दौरा कर कर आए हैं और आज जम्मू में मौजूद है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के हालात फ़िलहाल कश्मीर में बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सीधे तौर पर रविंदर जी हैं और साथ में तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि सीधे तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं और यहाँ पर आज़ाद साहब, तो आप तस्वीरों में अभी हम रघुनाथ बाजार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात जो है कल इन्होंने की है, लेकिन फिलहाल जम्मू के दौरे पर हैं क्योंकि जो उच्च न्यायालय है उन्होंने परमिशन दे दी थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस तरह से परमिशन मिली है कश्मीर का दौरा करने के लिए। अब जो है जम्मू के सूरत हाल जानने के लिए आज़ाद साहब आपको सीधी जो है वो तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये जो विजुअल है रघुनाथ बाजार से, और यहाँ पर साथ में अगर हम कहें तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी भी हैं। सर, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। नज़रबंद तमाम अपोजिशन के लीडर्स हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काफ़ी मशक्क़त की, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें, कितनी मुसीबतों का सामना किया। देखिए, इससे बड़ी क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो आ रहे हैं अपनी होम स्टेट। यहाँ पर वो तीन बार आए और वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से, और यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये विचित्र स्थिति है कि अपनी रियासत में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर के वो मिलने आए हैं, अपने घर आए हैं, लोगों से देख रहे हैं, मिल रहे हैं, लोग खुद ही उन्हें मिल रहे हैं। ये गढ़ है, जम्मू का कैपिटल सिटी है और रघुनाथ बाजार ही असल शहर है। तो यहाँ पे लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर से, ट्रेडर से, व्यापारियों से, आपका काम काज कैसा है, ओवरऑल हालात क्या हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंटरकनेक्टेड है। व्यापार की आपने बात की, आपने जिक्र किया, तो व्यापार से ही संबंधित एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लगता क्या है कि व्यापार किस तरह का है जम्मू में फिलहाल। देखिए, व्यापार तो पूरे देश में ही ठप है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ही ठप है और जम्मू में प्रभावित है। वो सारे व्यापारी उनको बता रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के जो हालात बने, मैंने आपको कहा, और रजौरी, पुंछ, डोडा, अर्थवार, किश्तवाड़, रामबन, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। व्यापार तो कोई शहर के आसपास की बात नहीं होती, तो ये सारा जो है जम्मू का शहरी जो है वो उसके खरीदार जो हैं वो पूरे देश से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कश्मीर वादी और पेरिफेरी से आते हैं। जब अनसर्टेनिटी होगी और जो हालात हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का भी असर है, लोग परेशान हैं, और जो पोस्ट फाइव वगैरह से जो हालात बने, रिस्ट्रिक्शंस हुई, उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। साफ तौर पर आपको तस्वीरों में दिखा दूं, आज़ाद साहब यहाँ पर भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। ये सीधे तौर पर यहाँ पर जो लोग व्यापारी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक पान वाली शॉप है, मशहूर शॉप है रघुनाथ बाज़ार की, और इनसे जो एक नेता है, अगर मैं कहूँ विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, वो एक उसके मुताबिक जो है ये उनसे जानने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो जैसे रविंदर शर्मा जी ने कहा कि तमाम व्यापारी से बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें फिलहाल के सूरत हाल क्या है। तो ये आज़ाद साहब, एक सवाल है, देश में महंगाई बढ़ रही है और प्याज जो है वो कहीं ना कहीं अब रुला रहा है, क्या कहेंगे? चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। सीधे तौर पर एक अहम सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ, कि आपको मैं बता दूं कि आज हर एक टीवी चैनल पर ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ कि देश में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम कहें तो ये जम्मू की जनता है जो देखने के लिए आई है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता आज जम्मू की सड़क पर पैदल मार्च कर रहा है और तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे मैं कॉरपोरेटर्स की बात करूं या फिर छोटे से बड़े हर कार्यकर्ता की बात करूं, तो वो उनके साथ मौजूद है। और फिलहाल उनका ये साफ तौर पर कहना था कि तो ये तमाम ये लोग यहाँ पर, हम आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद हैं और दुकानदारों से बात करने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है अभी जो है कहीं ना कहीं ये एक कोशिश कर रही है आम जनता को ये जानने की कि आपका सूरत हाल क्या है। व्यापार की बात की जाए तो रोजी रोटी सबकी व्यापार के साथ जुड़ी हुई है, और जम्मू का एक ऐसा बाज़ार है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ा बाज़ार है, रघुनाथ बाज़ार है, जहाँ पर तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर आने वाले, और आने वाला समय अगर मैं कहूँ तो नवरात्रों का भी है, तो वो भी श्रद्धालुओं का रुख जो है, पर्यटकों का रुख जो है, इस बाज़ार में रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो
गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर आए। और ये एक विपक्ष की मैं बात करूँ तो विपक्ष ने समय समय पर ये मांग उठाई कि हमें जाने की एक परमिशन दी जाए, हमें कश्मीर में जाने की परमिशन दी जाए कि फिलहाल सूरत हाल क्या है। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने इस तरह के निर्देश दिए और इस तरह के कहा कि हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा मुद्दा कि प्याज जो है वो सबको रुला रहा है, महंगाई के मार हर एक जो शख्स झेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब जैसे ही मौका मिलता है उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कि आप जम्मू का दौरा कर सकते हैं, कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर दौरा करने के लिए और तमाम व्यापारी वर्गों की बात करूँ या फिर हम कहें कि जिस तरह से उन्होंने बारामूला में भी, अनंतनाग में भी जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे जो है बात करने की कोशिश की है और यहाँ पर जानने की कोशिश की है फिलहाल जम्मू का व्यापार जो है किस तरह से चल रहा है। और तमाम कॉरपोरेटर्स की बात करूँ तो कॉरपोरेटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक पैदल मार्च ही कहेंगे हम इसको कि हर एक व्यक्ति के पास जाने की कोशिश की जा रही है, हर एक व्यापारी। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करें तो ये एक शॉप है, काफ़ी मशहूर है जम्मू के यहाँ पर, और LG की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलती हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ से आप खरीद सकते हैं। वहीं अगर साथ में बात करें तो रेमंड है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं या तो गांधीनगर में आपको मिलेंगे या फिर आपको रघुनाथ बाजार में मिलेंगे। वहीं यहाँ पर अगर हम गए तो तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो एक नेता है, जो विपक्ष का बहुत बड़ा नेता और एक बहुत बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो जम्मू पे इस तरह से सड़कों पर जाकर हर एक व्यक्ति से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके सूरत हाल क्या है, क्योंकि मामला है रोजी रोटी का, मामला है यहाँ पर खाना खाने का। और जिस तरह से अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस समय समय पर घेरती रही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, हालांकि निर्मला सीतारमण सामने आती है, प्रेस वार्ताओं का दौर चलता है और वो स्पष्ट करती है कि हमने इस तरह से बैंक्स का विलय कर दिया है और हम जो है तमाम नीतियाँ जो है वो पक्ष में लेकर आए हैं जनता के। लेकिन विपक्ष का नेता अगर हम कहें तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि विपक्ष का नेता ये होता है कि वो सरकार को उसकी कमजोरियाँ गिनाए, वो सरकार को ये बताए कि किन नाकामियों से आप गुजर रहे हैं और किस तरह से ग्राउंड लेवल पर, जमीनी सतह पर अगर आप नीतियां बनाते हैं तो किस तरह से यहां पर जनता जो है उससे आहत हो रही है। वही कार्य आज यहां पर गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं और तमाम यहां पर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम पान वाले की बात करें या इस तरह से जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं उनसे बात करें तो सबसे मुलाकात का दौर जो है वो जारी है। और प्रतिनिधि मंडल अगर हम कहें तो उनसे भी मिलने की कोशिश जो है वो की जा रही है और उनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अगर हम कहें तो कांग्रेस समय समय पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरती रही है NDA के सरकार को, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो सन्नाटा क्या पसरा है, क्या हालात जो है उस कदर हुए हैं कि यहाँ पर अगर हम गए तो विकास कार्य की शुरुआत हुई है। आपको लगता है कि आप इस फैसले से खुश है जो हाल ही में लिया गया है, क्या फैसला है वो आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग उनको देखने के लिए आए। और थोड़ी ही दूरी पर अगर मैं कहूँ तो शहीदी चौक में कांग्रेस का ऑफिस है, कांग्रेस का हेडक्वार्टर है और वहीं से तमाम नेताओं ने एक जमावड़ा सा हम कहें तो जमावड़ा वहाँ से निकला है, तमाम कॉरपोरेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एक कॉरपोरेटर हैं, गौरव जी, इनसे बात करने की कोशिश करें। गौरव जी, अर्थव्यवस्था के मामले पर कांग्रेस घेरती रही है और आज एक ऐसा समा पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू की सड़कों पर हर एक व्यापारी से पूछ रहा है क्या घर में खाने को रोटी है, क्या कहें? आपके सामने ही है सब कुछ कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कैबिनेट के इतने बड़े फैसले के बाद यहाँ आने की कोशिश की और एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया गया और आज जब इनको कोर्ट से परमिशन, ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन मिली तो आज़ाद साहब ग्राउंड रियलिटी में जाकर लोगों की बात सुनना चाहते थे कि लोग किस कदर, ट्रांसपोर्टर्स किस कदर सताए हुए हैं इतने बढ़ते जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत। और जो गौरव जी, कहीं ना कहीं बंद का आह्वान किया गया था लेकिन वो कॉल जो थी वो कैंसिल कर दी गई और तमाम लोगों ने कहा कि हाँ हम साथ हैं, वो भी एक जिस की स्थिति जो है पैदा हुई थी। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ से आपको सीधे नजर आएंगे और ये एक मार्च अगर हम कहें तो एक ऐसे नेता का जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़े हुए अगर हम कहें तो नेता जो है वो मुद्दे उठाते हैं और यहाँ के लोगों से मिलने की कोशिश की जा रही है और इनसे जो है पूछने की कोशिश की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें रघुनाथ बाजार से आपको हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जैसे ही मौका मिला यहाँ पर आने का तो सबसे पहले यहाँ के व्यापारियों से मिलने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश। आज़ाद साहब, अर्थव्यवस्था, BJP कह रही है कि अर्थव्यवस्था ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि डगमगा गई है, क्या कहेंगे? चले सर, समय तो बता दीजिए क्योंकि मीडिया भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार। चले सीधे तौर पर
सिटी चौक से आपको विजुअल दिखा रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की है और एक अहम सवाल था कि प्याज रुला रहा है, उसका क्या जवाब है वो आप जानते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा माहौल है यहाँ पर जहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कड़े कर दिए गए हैं। लेकिन सीधे तौर पर आज़ाद साहब से एक सवाल जो था सबके जहन में था, जनता से लेकर तमाम नेताओं के, कि कांग्रेस जो है समय समय पर सवाल उठाती रही है अर्थव्यवस्था पर, लेकिन उन्होंने कहा आज नहीं, प्रेस वार्ता की जाएगी और मीडिया को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद मीडिया को ये बताया जाएगा कि देश में किस तरह से स्थिति जो है अभी जो है फिलहाल उत्पन्न हुई है। लेकिन इंतज़ार उस समय का है जब गुलाम नबी आज़ाद जो है वो सीधे तौर पर मीडिया के सामने आएंगे। और मीडिया की बात की जाए तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और जनता का काम होता है एक नेता को चुनना, सदन तक पहुंचाना, लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाना। लेकिन हाँ, जहाँ तक जनता नहीं पहुंच पाती वहाँ पर जो है मीडिया पहुंच सकती है। और आज कोशिश की थी, उन्होंने यही कहा कि प्रेस वार्ता करके हर एक वर्ग को ये बताया जाएगा, जनता में मौजूद हर एक इंसान को बताया जाएगा, हर एक तबके को बताया जाएगा और पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी कांग्रेस की आवाज़ और विपक्ष की आवाज़, जो कहीं ना कहीं आज दिखाने के लिए एक तरह से जम्मू की सड़क पर मार्च कर यहां पर नजर आया कि विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुका है। विपक्ष जो है अब ये जान चुका है कि अगर आम जनता से जुड़े मुद्दे उजागर किए जाएंगे तो जनता का यहां पर कहीं ना कहीं समर्थन हमें मिलेगा। वहीं अगर हम कहें तो आज जम्मू के दौरे पर थे और तमाम सवाल जो है सबके जहन में है। अब उस मौके का इंतज़ार है, उस समय का इंतज़ार है जब गुलाम नबी आज़ाद हमारे सवालों का जवाब देंगे और जनता को भी ये पता चलेगा विपक्ष किस तरह से किरदार जो है अपना निभा रहा है, चाहे हम सदन की बात करें या देश की बात करें। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।